जय हिंद दोस्तों। जैसे कि बिहार दरोगा का एग्जाम 17 दिसंबर को दो पालियों में है, तो साथियों अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस विज्ञान से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि बिहार दरोगा एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों सेशन का पहला क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और अगर आपको इनसेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो याद रखिएगा एक प्रकार का वसा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो याद रखिएगा एक प्रकार का वसा है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों ऑक्सीजन जो है इन चारों ऑप्शन में से किस में अनुपस्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है किरोसिन में। याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है किरोसिन में अनुपस्थित होती है। और साथियों ऑक्सीजन की बात करें तो इसका खोज किसने किया था पूछा जाता है, तो जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और ऑक्सीजन की बात करें तो भूप्रपट्टि में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो पूछे तो यही ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में पूछे ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा लगभग 21%। आगे देखिए, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो साथियों विद्युत धारा जो है किस उपकरण से मापी जाती है? तो यहां पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, आमीटर से। आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो सोनोमीटर है आप लोग कमेंट करके बताइए सोनोमीटर से क्या मापा जाता है। चलिए आगे देखिए, दाब का मात्रक क्या है? तो साथियों दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसी को बोला जाता है पास्कल। तो याद रखिएगा दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी, और दाब जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। चलिए आगे देखिए, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, तो इसकी रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो समस्थानिक है ये कोबाल्ट 60 है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में क्या है? तो देखिए इसको निकालने के लिए हमने आपको प्रैक्टिस सेट में एक फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला होता है सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32/9। अब सी के स्थान पर आपको क्या रखना है, तो 50, तो 50 जब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 50/5 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 बराबर एफ माइनस 32/9। यहाँ पे एक कर दीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 90। 90 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। अब जब एफ का वैल्यू निकालेंगे तो 32 आपका लेफ्ट में आएगा तो ऐड हो जाएगा 90 में, तो ये आपका हो जाएगा 122 डिग्री फारेनहाइट। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में से यांत्रिक तरंग जो हो जाएगा ये ध्वनि तरंग हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आगे देखिए, इनमें से कौन विद्युत का बेहतर सुचालक है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए इन चारों ऑप्शन में से विद्युत का जो बेहतर सुचालक है ये हो जाएगा आपका सिल्वर यानी कि चांदी। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या कितनी होती है?
तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है C6H6। और बेंजीन में सिग्मा की बात करें तो 12 और पाई बंद की बात करें तो 3 होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 12 और 3। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो साथियों, मानव शरीर में जो रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर है, ये अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। और ये जो रक्तचाप है, इसको मापने वाला एक यंत्र होता है, उसको कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कपास में होने वाले रोग कौन सा है? तो साथियों, कपास में जो रोग होता है ये होता है ब्लैक आर्म। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्लैक आर्म। टिक्का रोग किसमें होता है? तो याद रखिएगा, टिक्का रोग जो है ये मूंगफली में होता है। किसमें होता है? मूंगफली में। और एक पूछा जाता है खैरा रोग किसमें होता है? तो धान की फसल में होता है खैरा रोग। और किसकी कमी से? तो जस्ता की कमी से। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। अब ये माइनस में क्यों होगा? क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में फोकस का मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। तो यहाँ पे हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। मनुष्य के हाथ की श्रेणी का उत्तोलक है? तो साथियों, मनुष्य का जो हाथ होता है किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? तो याद रखिएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। पिच ब्लेड किसका एक अयस्क है? तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता, याद कर लीजिए, ये यूरेनियम का अयस्क है, पिच ब्लेड। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आयरन यानी कि लोहा का अयस्क याद रखिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सभी क्या है? लोहा का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क आप सभी जानते हैं, बॉक्साइट। मकड़ी किस संघ से संबंधित है? तो साथियों, मकड़ी जो है ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑर्थोपोडा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडन और स्वान ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना इसको जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित है? तो साथियों, बुद्धि का केंद्र जो है प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ पर? प्रमस्तिष्क में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और स्मरण शक्ति का जो केंद्र होता है यही प्रमस्तिष्क होता है, तो इसे भी ध्यान रखें। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को जरूर लाइक करें। और अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो वयस्क मानव में रुधिर की जो सामान्य मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन में देखिए 5 लीटर दिया हुआ है, तो रेंज आपको ध्यान रखना है लगभग 5 से 6 लीटर। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 5500 एंगस्ट्रम। याद रखिएगा, 5500 एंगस्ट्रम। और यही नैनोमीटर में पूछे तो ये हो जाएगा 550 नैनोमीटर, तो दोनों याद रखना है। निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो साथियों, सही जवाब है विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नाइट्रोजन, याद रखिएगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्त दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? देखिए, अमलगम क्या है? जब पारा किसी भी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे ही अमलगम कहा जाता है, यानी जिसमें पारा हो वो अमलगम कहलाएगा। तो देखिए, किसमें पारा है? तो एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। प्रकाश के सात रंगों में सबसे ज्यादा चाल किस रंग के प्रकाश का होता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे अधिक जो चाल होगा किसका होगा? लाल कलर का। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। और सबसे कम किसका होगा? तो बैंगनी का। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, तो बीएमडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, और इसका परीक्षण किया जाता है ऑस्टियो, याद रखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो साथियों, कुष्ठ रोग जो है जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन के साथ ओजोन गैस प्रयोग में लाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर ओजोन ना मिले तो आपका आंसर खाली हो जाएगा, क्लोरीन। ऑटो हन ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किया था? यहाँ पे देखिए, अणुबम का मतलब होता है परमाणु बम, और परमाणु बम का खोज किसने किया था? ऑटो हन ने। और किस सिद्धांत के आधार पर किया था? तो नाभिकीय विखंडन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सल्फेनिक अम्ल, याद रखिएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए, इस 30 प्रश्न में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं।